राम राम सभी को। आज का ब्लॉग मैं सुबह के 11:30 बजे शुरू कर रही हूँ और अभी हम छत पर बैठे हुए हैं धूप सेकने। मम्मी खाना बनाने चले गए दोपहर का और हमारी छोटी सिस्टर भी यहीं पढ़ाई कर रही थी, अभी नीचे गई कुछ काम से शायद, और बहन जी यहीं पर बैठी हैं धूप सेकने। राम राम गाइस। और मम्मी ने हमें काम दिए कि आप गोड़ जाओ, गोड़ में जाकर जो कुछ कूड़ा है ना, कूड़ा बोलते हैं बहन जी, घास जो बच जाता है एक्स्ट्रा, हाँ जो भेड़ों को घास डालते हैं और एक्स्ट्रा बच जाता है ना, उस घास को जला दो, आग लगा दो वहाँ जाके। तो हमने सोचा जाते हैं गोड़, चलो जाना, आपने भी जाना है तो चलो। तो और हमने आज हेयर वॉश किया, तभी खुले छोड़े हैं बाल। चलो तो चलो बहन जी। नहीं, सारा सामान उठाना पड़ेगा, ये पहिया सजना जाएगी पहले, तब जाएंगे, क्योंकि फिर बंदरिया उठा के ले जाती है सारा। हाँ, यहाँ से सामान उठाना पड़ेगा, अगर बंदरिया आ गई तो वो हमारा सारा सामान ले जाएगी यहाँ से उठा के, तो इस सामान को उठाना पड़ेगा पहले। तो वेट करते हैं अपनी छोटी बहन कब आ जाएगी, फिर जाएंगे हम गोड। चलो चलो मुन्नू, चलो सही ना, चल मम्मी बोले गोड जाइया। क्या हमारी भेड़ आवाज लगा रही है हमें, को छोटा बच्चा भी दिखा, बोरा कितना बड़ा हो गया, पिछले व्लॉग में दिखाया था हमने, बड़ा हो गया अब, ये आंख कुहाड़ गिर फुटाई ही, इसकी आंख फुटाई थी, ये दुस्ता नहीं हाई था यूट्यूब फैमिली। ये देखो इसकी एक बहुत दूसरी वाली आंख अंदर से चली गई है, पता नहीं दिखता होगा इसे या नहीं, ये बहस मारती है। और पत्रा पाएंगे या कतरगा, ये लगा रहे हैं आग लगा था कूड़ी ने घास हट। और भेड़े भाड़ा लग पड़े खाने, गरम गरम आग, गरम गरम आग मुना पीछे। सेक लो वीरी, की सेको सेक, चलो गाइस को दिखाओ कि इनकी ऊन देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, यहाँ से गर्दन से होती है बड़ी, और पीछे से नहीं इतनी बड़ी जितनी यहाँ पे दिख रही है। खूंटना पैनी है जी, नहीं सर्दियों में नहीं इनके बाल काटते हैं, ऊन निकालनी पड़ेगी मतलब, नहीं तो सर्दियों में नहीं निकालते हैं बाल, पता है यूट्यूब फैमिली को भी पता है। और ये अब सर्दियों के बाद एक फरवरी में भी नहीं कटेगी, फरवरी में काट देती हूँ, मार्च में, पता नहीं फरवरी के लास्ट में साइड, अगर ठंड कम होगी तभी तभी काटेंगे, उनको कम धूप भी कम आती है हमारे रोड में। अभी आई धूप भी, अभी भी नहीं, और ये सरसों आएगी 1:30 बजे आएगी। और सर्दियों में जो भैंस और भेड़े होते हैं उन्हें बाहर ही रखते हैं गोड़ के अंदर नहीं बांधते। हाँ गाइस तो हो गया, इकट्ठा कर दो इसको अब, बस जल गई आग भी, कूड़ा भी जल गया सारा, ये साइड साइड का बचा, इसको झाड़ू से ही कर देना था, और मुझे लग रहा है उस साइड बंदरी है, कोई आवाजें कर रहा है, काम लगा है वहाँ पर। अच्छा रुक जा, चलती ये नहीं रुकती है, चलो चलो चलो। गाइस और संजना चली गई हमें छोड़ के, कितनी बार दिखाने पता है यूट्यूब फैमिली को भी, ये शादी वाला घर वो जो सामने दिख रहा है, वो सामने दिख रहा है जिनकी शादी है फरवरी में।
तो यूट्यूब फैमिली 2:15 हो गए और हो गए हम ससुराल जाने के लिए तैयार। हो गई पैकिंग? हाँ हो गई लग। और मम्मी? मम्मी दूसरे रूम में शायद, मम्मी बोल रही थी कि चलो पता नहीं डालने के लिए, डालने तो पहले ही बोल देना फिर। हाँ चलो तो फिर कर लो। और हाँ खाना खुना हमने खा लिया तो हम दिखा नहीं पाए आपको, और जल्दी जल्दी से जा रहे हैं। बस हमारी 3 बजे, हाँ 2 मेरे स्वेटर, 3 बजे आएगी हमारी बस, और 2:15 हो गए हैं। तो जल्दी से तैयार हो लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और सजना जा रही है वैसे हमें छोड़ने, बोला तो था उसने कि दीदी मैं चलूँगी आपको बस स्टॉप तक छोड़ने, पता नहीं अब देखते हैं जाएगी कि नहीं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यूट्यूब फैमिली 2:30 बज गए और चल पड़े हम अपने ससुराल। मम्मी लाइट क्यों कर दी बंद? दिखाना था आपको। चलो मिलो बाद में। हेलो गए आप भी मिलो, थंबनेल भी ले लो मिल के। थंबनेल मिल ठीक है हो गया। ठीक है बाय। चल तो मम्मी बाय। जफी बड़ी जोर नहीं पाई अब तू आने कने कला परसों तक। हाँ ठीक है हमारा मंदिर आज कीर्तन है यहाँ पे। बस करेगा है बाय नहीं करेगा। मम्मी बोल बस कितने तक जाना उन छड़ना। चलो ठीक है बाय 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 बाय। ये लो और इसको। और गाइस 2:50 हो गए लेकिन अभी पहुंचे नहीं हम बस स्टॉप पर, पहुंचने वाले हैं कहीं चली पे। यहाँ पहले से ही तंग गलियाँ थी, अब पता नहीं घर लगा यहाँ बढ़ने की क्या, और तंग हो जाएगी ये गली। यहाँ तक पिल्लर आ जाएंगे तो फिर रास्ता कहाँ बचेगा। चलो इनकी जगह है, कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे। और ये मंदिर शिव जी का, जय हो। चलो आगे हो जाओ, ये देखेगी भी नहीं जाना मैं जाना पर। हाँ तो मैं सर्दियाँ भी जाने वाली है और बारिश ही नहीं हो रही है। बहन जी बोल रहे हैं कि इन स्लेट्स सैड बोलते हैं हम इन पर, इन पर स्लेट्स कितनी हाँ सैड़ों पर कितनी धूल है कि कब से बारिश नहीं हुई है इसलिए इतनी धूल है इन स्लेट्स घरों पे भी। हाँ तो मैंने कहा कि सर्दियाँ जाने वाली है, अभी बारिश नहीं हुई तो होगी धूल। और हम बस स्टॉप पर पहुँच गए, बस अभी आई नहीं है, हमने सोचा कहीं छूट न जाए बस, लेकिन अभी नहीं आई है। और एक कमेंट आया था, कौन आया, कोई भी आया हो और कोई सह। और कि आपके आपके ससुराल बस आ गई तो यूट्यूब फैमिली बैठ गए हम बस में, और आपको पता नहीं आवाज आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, पर आप देख ही रहोगे पीछे देख ही रहे हो आप क्या देख रहे हो। सीट दिख रही है ना थोड़ी थोड़ी सी, ऊपर से छत भी दिख रही है तो आप जान जाओगे कि हाँ रुकी बस बैठ गया गाइस हम बस में। तो बहुत सारा सामान हो गया हमारे पास, सोचते हैं कि सामान तो बहुत है, हम सोचते हैं कि थोड़ा सा सामान लेके जाएंगे, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करते बहुत हो जाता है। एक दिन के लिए आए थे और सामान कितना हो गया हमारे पास, बहन जी से तो चढ़ा ही नहीं जा रहा था बस में तो सामान कितना सारा था, खुद तो पर्स लेके भागे।
उस तो फिर घर से जाके मिलते हैं आपसे। तो यूट्यूब फैमिली पहुंच गए हम घर। आज आपने एंट्री तो नहीं दिखा देनी। हाँ एंट्री होगी, अभी इतना ही दिखाना था। कोई भी नहीं है घर पे अभी।